अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैनली टीवी। दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये हुंडई का सेट है 40 इंच का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइनें हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एक लाइन ये है, इसके अलावा कुछ लाइनें आपको ये नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लाइनें भी आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये इसमें फॉल्ट है, तो ये इसके अलावा ये मैंने इसको टच किया तो अभी ये भी आ गई, ठीक है। समटाइम कब कुछ चली जाती हैं, कुछ वापस आ जाती हैं, तो ये स्क्रीन का फॉल्ट होता है, ठीक है, पैनल का फॉल्ट होता है। तो चलो इसको बैक कवर को रिमूव करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसको ये फॉल्ट इसका कहाँ पे होता है ये, ठीक है। ये कोई पैनल यानी कि ख़राब नहीं है इसमें होता, इसमें लूजिंग समझ दें कि आप लूजिंग होती है, तो जिसकी वजह से ये फॉल्ट आता है, ठीक है। तो अभी ये भी एक लाइन आ गई, ठीक है, कुछ ख़त्म हो जाती हैं, अभी ये ख़त्म हो गई, थोड़ा सा टच किया इसको तो ये फिर आ जाती है, ठीक है। सम टाइम आ जाती है, सम टाइम चली जाती है ये फॉल्ट, ठीक है। तो चलो इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके कवर को ऊपर को रिमूव कर लिया, तो ये फॉल्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट होते हैं जहाँ पर ये फॉल्ट, ये लाइन आप देख सकते हैं ख़त्म हो गई है, ठीक है, फिर आ गई है यहाँ पर, ये फॉल्ट यहाँ पर होता है, ठीक है। जब इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइनें आती हैं तो ये फॉल्ट यहाँ पे होता है, लूजिंग होती है, जिसकी वजह से ये लाइनें आती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉल्ट होगा तो वर्टिकल लाइनें आएंगी, ठीक है। इस जगह पे अगर ये फॉल्ट होगा तो ये वर्टिकल लाइनें आएंगी, तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये फॉल्ट ये देख सकते हैं आप। इसको थोड़ा सा टच करते हैं तो ये ख़त्म भी हो जाती हैं, फिर आ जाती हैं, ठीक है, ये ख़त्म हो गए, ये यहाँ पे फॉल्ट है, ठीक है, ये ज़्यादा हो गई, फिर ज़्यादा हो जाती है, इसमें फॉल्ट है, ठीक है। ये इस जगह पे जब इसको थोड़ा सा टच कर देख लग सकते हैं आप, इसको कभी वापस आ जाती हैं फिर चली जाती हैं, ठीक है। तो इसको देखना पड़ेगा कि हर इसमें फॉल्ट कहाँ पर है, ठीक है। सिर्फ एक ही में नहीं है, हो सकता है इसमें भी हो, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं ये ख़त्म हो गई लाइन, अभी मैंने इसको टच किया ये वाली ख़त्म हो गई, अभी मैं इसको ये मैंने छोड़ दिया तो फिर लाइन आ गई, ठीक है। ये फॉल्ट यहाँ पर होता है, तो चलो इसको देखते हैं। मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप करता हूँ, इसको क्लियर करते हैं फिर देखते हैं। तो जी फ्रेंड, मैंने पैनल को ओपन किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये भी आपको ब्लैक दाना नज़र आ रहा है, ब्लैक, इसके अलावा इस साइड में भी, ठीक है, ये जल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी और ये भी, इसके अलावा यहाँ पर भी देखें तो ये भी जला हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक साइड में, ठीक है, एक साइड से आपको ये ब्लैक नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये लाइनें नज़र आ रही हैं हमें, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये इस चीज़ का फॉल्ट होता है इसमें, यानी कि पैनल इसमें बोर्ड में भी कोई फॉल्ट नहीं होता, ये पैनल का फॉल्ट होता है। तो फॉल्ट जो वर्टिकल इस तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती हैं ये इस पॉइंट की वजह से होती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जला हुआ है, ठीक है, ये भी, ये इस तरफ वाला, ये वाला, ठीक है, ठीक है। वो इसके अलावा तीन हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं वो थोड़े थोड़े से डैमेज हो गए हैं, जिसकी वजह से ये हमें लाइनें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा ये भी, ठीक है, इसके अलावा एक इसके नीचे, तो ये भी थोड़ा सा डैमेज हो गया, ठीक है। बस ज़्यादा जो है वो इसकी वजह से, ज़्यादा जो लाइनें आ रही हैं इसकी वजह से है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, तो ये जो वर्ड आप अभी लाइन देख रहे हैं ये सारा इसका, ये पैनल का फॉल्ट है, ठीक है, पैनल की वजह से ये हमें लाइनें देखने को मिल रही है।